दिवाली से पहले प्याज की कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में प्याज 50 से 70 रुपए किलो के भाव पर बिक रहा है। ऐसे में हर तरफ बस एक ही सवाल है कि कब सस्ता होगा प्याज। अगले एक मिनट में जानिए इसका जवाब। दिवाली से लेकर छठ तक प्याज की कीमत कम होने का कोई अनुमान नहीं है। दिवाली के चलते कई थोक बाजार बंद रहने वाले हैं। वहीं दिवाली के बाद बाजार फिर से खुलने के बाद कीमतों में थोड़ी तेजी होने की आशंका है। प्याज का एक्सपोर्ट घटने में भी 2-3 सप्ताह का समय लगने का अनुमान है। ऐसे में अगले 2-3 हफ्ते तक प्याज की बढ़ी हुई कीमतों से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि 20 नवंबर के बाद खरीफ सीजन का महाराष्ट्र का प्याज आना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद प्याज के सस्ते होने की उम्मीद है। वहीं देश के कुछ हिस्सों में प्याज की कीमतों में थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिल रही है। दिल्ली की आजादपुर मंडी में प्याज की कीमत घटकर 30 से 40 रुपए प्रति किलो हो गई है। हालांकि ये थोक कीमतें हैं। फुटकर रेट अभी भी 50 से 70 के बीच बना हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते या दिसंबर में प्याज आपकी किचन का बजट नहीं बिगाड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। एक मिनट में पूरी खबर के लिए देखते रहें किसान तक।